तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज अपना 85वां जन्मदिन मना रहे हैं। 14वें तिब्बती आध्यात्मिक गुरु के जन्मदिन के खास मौके पर उनके अनुयायियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चीन हमेशा से डरता रहा है कि भारत की शरण ले चुके दलाई लामा कहीं दुनिया को चीन की हरकतों के बारे में बता न दें। और अब क्योंकि चीन के साथ भारत की दुश्मनी पिछले कुछ दिनों में अपने चरम पर पहुंच चुकी है, तो ऐसी स्थिति में दलाई लामा की तरफ चीन की निगाहें हैं। चीन को हमेशा से भारत इसलिए भी अखरता रहा है क्योंकि जिस तिब्बत को चीन अपना आधिकारिक क्षेत्र बताता है, उस तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु आज 85 साल के भले ही हो गए हैं, लेकिन भारत की शरण तब से लिए हुए हैं जब वो मात्र 23 साल के थे। दलाई लामा ने हमेशा तिब्बत के फ्रीडम की बात की है, जो चीन को हमेशा नागवार गुजरी है। अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले एक गुरु के रूप में पहचाने जाने वाले, क्योंकि लामा का मतलब गुरु होता है, तो दलाई लामा ने भी अपने शिष्यों को जनरल टीचिंग और माइंड की ट्रेनिंग दी। दलाई लामा ने ट्विटर पर अमेरिकन भौतिक विज्ञानी डेविड बोमा के बारे में स्पेशल ऑनलाइन स्क्रीनिंग की योजना का भी ऐलान किया, जिन्हें तिब्बती धर्मगुरु अपने साइंस के गुरुओं में से एक मानते हैं। आपको बता दें, 13वें दलाई लामा ने साल 1912 में तिब्बत को चीन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और इस वजह से सन 1950 में चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था। ये तब हुआ था जब वहां 14वें दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। कुछ सालों बाद तिब्बत ने चीन से विद्रोह किया और आजादी की मांग की। तिब्बत को हार मिली और दलाई लामा ने साल 1959 में भारत में शरण ले ली। तब से लेकर आज तक अपने साथ आए कुछ 80,000 अनुयायियों के साथ दलाई लामा हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के हिमालयी शहर में रह रहे हैं।